दिखेगा। देख रहे न्यूज 11, आपके साथ मैं आरती सिंह और आपके लिए प्रोग्राम खास बोल जनता बोल आज का एपिसोड है। और आज के बोल जनता बोल में हम प्रतिक्रियाएं लेने आए रांची वासियों की कि आखिर पीएम मोदी जब आए इतनी सारी सौगात देकर गए हैं, क्या कहती है रांची की पब्लिक, चलते उनके पास और जानते हैं कि पीएम दौरे को लेकर क्या कह रही है रांची की जनता। सर, पीएम आज एक बार फिर झारखंड आए, उन्होंने सौगातों की बारिश कर दी, क्या कहना चाहते हैं आप? ये बहुत अच्छा लगा, इसके लिए हम पीएम साहब को, मुख्यमंत्री साहब, सबों को बधाई देते हैं। इसी तरह से हम जनता को सौगात देते रहे, पीएम सौगात देते रहे तो खुशी के चेहरे पर सौगात देते रहे, कैसा लग रहा है पीएम आए और फिर एक बार सौगातों की बारिश हुई? ये बहुत खुशी की बात है। 12 जून 1915 को झारखंड विधानसभा भवन का आधारशिला रखी गई थी, जो आज भारत के माननीय देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आकर के उनका विधिवत उद्घाटन किए। और सबसे बड़ी बात है कि भगवत का जो चाह ली है, सब काम अच्छे तरह कर रही है। और इसमें सबसे ज्यादा श्रेय जाती है भारत के देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का, कि उनका सपोर्ट झारखंड को बहुत ही अच्छा मिलता आया है। सारा जो जितने भी अभी नए नए आधारशिला रखी जा रही है, जितने भी नए नए कार्यक्रम का शिलान्यास हो, उद्घाटन झारखंड प्रदेश से हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। और झारखंड प्रदेश का जो लोग पहले नहीं जानते थे, आज पूरा देश झारखंड प्रदेश को जान रहे हैं, ये झारखंड वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और हम परम आदरणीय श्रीमान मोदी जी को और झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी को दिल से 3.25 करोड़ जनता की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि इतनी बड़ी सौगात झारखंड में इन्होंने देने का काम किया है। और इनकी सरकार बहुत अच्छी तरह से चल रही है, हम बहुत खुश हैं, प्रभावित हैं। और आने वाले वर्षों में भी जनता यहाँ खुश रहेंगे, जैसे पेंशन योजना है, उज्ज्वला योजना है, सारी योजना बहुत अच्छा से काम कर रही है, इसमें किसी प्रकार का कोई। इसलिए आज मोदी ने प्रधानमंत्री ने कहा है कि लॉन्चिंग पैड है झारखंड योजना को शुरू करने के लिए। और लॉन्चिंग पैड तो जब लॉन्चिंग पैड होता है तो इसका देश को श्रेय जाता है और सारा देश में लागू भी होता है और काम भी बहुत अच्छा से। और ये झारखंड के लिए भी गर्व की बात है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में ये कहा है कि जितनी भी बड़ी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, वो यहाँ से झारखंड से लॉन्च की गई हैं। और उन्होंने झारखंड को बकायदा इसके लिए लॉन्चिंग पैड बताया और ये कहा कि 100 दिनों में, ये तो ट्रेलर है मोदी सरकार का, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, 100 दिनों में बहुत कुछ किया है। सर, लॉन्चिंग पैड बताया, यहाँ से 3 बड़ी योजनाएं शुरू हुई, अब अपना विधानसभा भवन तैयार हो गया है, बहुत खुशी हो रही है कि अब किराए के मकान में तो कम से कम विधानसभा नहीं चलेगी। अभी भारत का सबसे अच्छा ये हुआ कि पेपरलेस विधानसभा बना है। और सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि हमको एक दरगाह मिला है झारखंड में, सबसे अच्छा टर्मिनल मिला है, जो कि आज तक हम झारखंड में भी कोई दरगाह और कोई नहीं हो सकती बन रहा है। सौगात हमारे लिए जो है वो बंदरगाह जो मिला है वो सबसे अच्छी बात है, यानी कारोबारियों को सहूलियत होगी, अब इंटरनेशनल लेवल पे भी बाजार आपको मिल पाएगा इजीली। टर्मिनल आपको ये फायदा होगा, जो ट्रांसपोर्टिंग का जो मेन रूट से आता था, आज हमारा 5 जहाज जाएगा, लागत कम लगेगा, समय का बचत होगा, बहुत तरह का बचत होगा उसमें। बिल्कुल, ये जो टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है साहिबगंज में, उससे व्यापार कर और वो भी सस्ते दरों पर दूसरी जगह से व्यापार संभव हो सकेगा। और ये देख दूसरा टर्मिनल है जहां पर, और झारखंड की बड़ी
है कि सिर्फ ना अपना विधानसभा भवन मिला बल्कि एक टर्मिनल भी मिला है बंदरगाह, जो वायदा किया था मोदी सरकार ने उसे कर दिखाया है और आज उसका उद्घाटन भी कर दिया। और रांचीवासी काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब इन उपलब्धियां, ये जो उपलब्धियां हैं वो वाकई आज का दिन ऐतिहासिक है। आप कुछ कहना चाहते हैं, मोदी सरकार ने इतना बड़ा तोहफा दिया है झारखंड को, क्या कुछ कहना? आज हमारे झारखंड के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे झारखंड में जैसे कि देखा जाए कि लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जैसा कि देखा जा सकता है कि तारा मैदान से ही पिछली बार योगा दिवस की शुरुआत हुई थी, आज वहीं से दोबारा काफ़ी योजनाओं की शुरुआत की गई है। बहुत ही अच्छी बात है, हमारी झारखंड की सरकार के नेतृत्व में हमारा झारखंड नई ऊँचाइयाँ छू रहा है। इसके लिए हम हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि ये तो ट्रेलर है, यानी जो मोदी 2.0 जो है उसकी जब दोबारा आई है सरकार, तो उन्होंने कहा है कि 100 दिनों का तो ये ट्रेलर है, अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी। और सीएम ने भी कहा है सपना अधूरा है, अभी पूरा करना है। जी अभी सपना अधूरा है, अभी और काफी चीजें बाकी है। 100 दिनों में ही हमारी सरकार ने बहुत ही ऐसा काम कर दिखाया है जो कि पिछली सरकारें नहीं कर पाए। ये तो अभी बस ट्रेलर है, अभी फिल्म अभी बाकी है। 370 हटाया गया, कश्मीर मुद्दा जो था बिल्कुल, और ट्रिपल तलाक हटाया गया, वाकई ये सब फैसले बहुत ही बड़े फैसले हैं जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई, और हमारी सरकार ये फैसले ले रही है। सरकार के फैसले और ये जो 100 दिनों की बात हो रही है, मोदी सरकार की जो वापसी हुई इस बार, और जब बात करते हैं हम मोदी 2.0 की, तो उसके 100 दिन के कार्यकाल का जब विश्लेशन हो रहा है, तो आज मंच से प्रभात तारा मैदान में जिस तरह से अपने मंच में संबोधन में अपने मोदी ने कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी अपने भाषण में ये बात साफ कर दिया है कि ये तो सपना है, सपना अधूरा है, अधूरे सपने को पूरा करना अभी बाकी है। और जिस तरह से आज जो सौगात दी गई है, लोग काफी खुश हैं, और मोदी की इस जो इन्होंने जो सौगात दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने जो सौगात दिया है उसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन जो वायदा किया वो पूरा करके दिखाया, जो वायदा किया मोदी पूरा करके। उन्होंने बहुत सारे वादे कर 370 हटाए, 35 ये हटाए, हाँ 3 तलाक को पूरा किए, हाँ से हम सभी देशवासियों को मोदी जी के ऊपर गर्व है। गर्व है, बताइए, ये तो मोदी जी पे गर्व है, प्रधानमंत्री पे गर्व है, उपलब्धि है झारखंड के लिए भी, बहुत बड़ा दिन है आज झारखंड के लिए। मैडम ये विधानसभा झारखंड आज से 2000 में बना था, उसके बाद झारखंड विधानसभा बने था, ये बहुत यानी राज्य के लिए बहुत चीज होता है। आज वो विधानसभा बन के हम लोग का सीना चौड़ा हो गया है, और ये नरेंद्र मोदी जी आके यहाँ इनॉग्रेशन किया और बहुत सारी योजनाओं का कुछ अपना सा मिल गया हो, ये लग रहा है अपना विधानसभा गया, और इसकी खूबसूरती भी अद्वितीय है। मैडम बहुत बृहद रूप में बनाया गया है, और ये रघुवर दास और मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकार जो है उन्होंने भी अपना वायदा पूरा किया है। राज्य सरकार ने ये वायदा किया था कि इस कार्य का ये कार्यकाल खत्म होने तक इस विधानसभा का निर्माण कार्य पूरा करवाएगी, और निर्माण कार्य पूरा हुआ, प्रधानमंत्री मोदी के हाथों इसका उद्घाटन भी हुआ। कहना चाहते हैं आप, सरकार तोहफा दिया है आज, धन्यवाद देना चाहते हैं, सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। सरकार को भी कैसा लग रहा है अपना विधानसभा भवन हो गया, साहेबगंज में टर्मिनल हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। व्यापारियों को जो पेंशन दी है वो भी बहुत अच्छा पेंशन दी, इसलिए खुश है। हाँ, इसलिए खुश है। तो सिर्फ इसलिए नहीं कि विधानसभा भवन अपना हो गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि टर्मिनल खुल गया, सचिवालय का शिलान्यास हो गया, इसलिए भी कि जो पेंशन योजना शुरू की गई है उससे व्यापारी वर्ग में खुशी है, किसानों के लिए भी मानधन योजना शुरू की गई है। सर, योजनाएं शुरू की गई है, कुछ अपना सा लग रहा है, अब अपना हो गया विधानसभा भवन, पेंशन की योजना हो, सचिवालय का शिलान्यास आज हुआ है, सचिवालय भी हमारा हो जाएगा, आज विधानसभा मिल गया। सबसे बड़ी बात तो हमें कुछ देर पहले बोले कि जो हमको टर्मिनल मिला, हम ये सोचे भी नहीं थे कि हमारा झारखंड राज्य में आज टर्मिनल होगा, तो आज समुद्री बंदरगाह हमको मिल गया, इससे व्यापारी समझौता अच्छा है, व्यापारी जगत में भी खुशी है। कुछ कहना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ कि 19 वर्षों से जो इंतजार कर रहे थे, सपना साकार हुआ, और सपना हुआ तो देवतुल्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और झारखंड के जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान रघुवर दास जी, इन्हीं के चलते पूरा हुआ, इससे भी पहले सरकार बनी थी, ऐसा उम्मीद नहीं जता
निकाला था, और इस बार जो उम्मीद ही नहीं, इस बार तो झारखंड वाले को पूरा आशीर्वाद मिला है केंद्र से भी और राज्य से भी। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है यार, खूब स्पीड हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक इंजन है इसमें, डबल पावर है इसमें। अच्छा। इसमें सबसे बड़ी बात तो कोयला से और डीजल से चलने वाली सरकार है, ये इलेक्ट्रिक इंजन है, काम कर रही है। इसी के साथ हम झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। ये है, धन्यवाद दे रहे हैं, रांची की जनता बहुत खुश है, झारखंड को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आज झारखंड का दिन वाकई एक ऐतिहासिक क्षण रहा जब प्रधानमंत्री मोदी रांची पधारे और उन्होंने विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया, साथ ही साथ सचिवालय का शिलान्यास भी किया, और इसके साथ ही बता दें आपको कि साहेबगंज में टर्मिनल का भी उद्घाटन हुआ है, और अब जब मार्ग से व्यापार कारोबार सस्ता होगा, कारोबार हो सकेगा, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि, देश का ये दूसरा टर्मिनल है जब, और झारखंड में ये बड़ी उपलब्धि है। कहना कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार मिलकर काम करेगी, और भी उपलब्धियां हैं। मोदी ने भाषण में भी कहा है कि डबल इंजन की सरकार अगर चल रही है तो नहीं आ रहा है, लिख जाएगी। कुछ कहना चाहते हैं मोदी को, लिख आई नहीं आई, इधर आइए इधर आइए, प्रधानमंत्री मोदी है ना, मोदी जी तो बहुत सस्ता दिए हैं, और जो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है कि केवल कार्यों पर ही सीमित रह जाती है, वो जो बोलते हैं करके दिखलाते भी हैं। रघुवर दास जी भी जो बोले हैं झारखंड में जो करना है वो करके ही जाते हैं, और उसको सौगात, और उसके लिए नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा सहयोग है, और उसमें रघुवर दास जी का भी सहयोग है कि इस चीज को कभी नहीं है, और उससे झारखंड को बहुत ही फायदा, और सरकार भी की ये चीज है कि हर लोगों के लिए सोच है, उनमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई खास खास लोगों के लिए, हर तबके के लोगों के लिए उनमें सोच है। अब आपको पता है ना कि अपना विधानसभा भवन हो गया है, अब किराए के मकान में सदन नहीं चलेगा, मकान में तो ऐसा रहने का नौबत नहीं आएगी, और ये भी सुन है कि सेक्रेटेरिएट भी अपना सचिवालय की आधारशिला रखी गई है, और रघुवर सरकार जी जो है नेक्स्ट बार आएंगे फिर पीएम बनकर, उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम वो आएंगे, आएंगे तो उसका भी उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी जी ही आओगे, ये बहुत अच्छी बात है। आज सवाल में भी जो रिपोर्ट किया गया है उसका भी जो है कि बहुत अच्छा ये है कि ये झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि अब हम लोगों को दूसरे राज्य से दूसरे देशों से सी पोर्ट के द्वारा माल की ढुलाई, और उसमें जो है कि किफायती पड़ेगा रेट वगैरह, ये सब सौगात जो है हम लोग कभी सोचे नहीं थे इस उम्र तक में, जो चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, इसलिए रघुवर सरकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम जनता तो ये कहना है कि सरकार और मोदी सरकार ने जो वायदा किया वो, और जो भी वादा किया था झारखंड की जनता से, वो वायदे पूरे हुए हैं, और बहुत बड़ी उपलब्धि मान रही है झारखंड की जनता। इसे देखना होगा कि आने वाले समय में, जब यहाँ लोगों का ये भी कहना है कि जब सचिवालय की आज नींव रखी गई है तो ये काम पूरा होगा, रघुवर दास ही अगली बार मुख्यमंत्री बन आएंगे और पीएम मोदी के हाथों इसका भी इनॉग्रेशन किया जाएगा, ऐसी उम्मीद जता रहे हैं यहाँ के लोग। लेकिन बड़ी बात ये बता दें कि आज का दिन वाकई झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है, और आज के दिन जो सौगात मिली झारखंड के लिए भी तो योजनाएं लागू शुरू की गई है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, मानधन योजना जो किसानों के लिए है, और साथ ही साथ व्यापारियों कारोबारियों के लिए भी पेंशन स्कीम लागू की गई है। तो बड़ी बात आज के दिन की ये झारखंड के लिए बड़ी उपलब्धि कि किस तरह से जो वायदा किया था रघुवर सरकार ने, वो वायदा उन्होंने पूरा कर दिखाया है। रघुवर दास, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये कहा था कि वक्त तय समय पर विधानसभा भवन कार्य पूरा होगा और इसका उद्घाटन भी किया जाएगा, और वाकई ये उन्होंने कर दिखाया, तय समय पर विधानसभा का काम पूरा हुआ, और आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उद्घाटन किया, और आज सचिवालय की नींव भी रखी गई है, इसके साथ साहेबगंज के टर्मिनल का
कारोबारियों को एक सहूलियत मिलेगी, यानी कि यहाँ से अब वैश्विक स्तर पर लोग कारोबार सकेंगे, विकास की नई बात लिखी जा सकेगी सी पोर्ट के जरिए, क्योंकि अब यहाँ से जल मार्ग से की जा सकेगी। तो उपलब्धियां हैं रघुवर सरकार के लिए, और रघुवर सरकार ने कहा है कि सपना अधूरा है, पूरा बाकी है, सपना अधूरा है, सपना पूरा करना बाकी है। बीइंग यंगस्टर, क्या चाहते हैं और कि रघुवर सरकार और क्या कुछ कर सकते हैं सपने को पूरा करने के लिए, आज की उपलब्धि से जोड़ते हुए? एक्शन के लिए काफी कुछ कर ही रही है, मतलब हमारी सरकार ऐसा मतलब जितना कर सकती है और भी बहुत ही ऐसे कार्य जो ऐसे कर सकती है, लेकिन समय के साथ मुझे लगता है वो सब कार्य होंगे। एडुकेशन के लिए और कुछ करना चाहिए, और आज जैसे देखा जा सकता है एडुकेशन के लिए भी हमारे ट्राइबल मिनिस्टर ने किया है, जगहों में विद्यालय खोले जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, यानी एडुकेशन के क्षेत्र में भी काम है। तो एक उम्मीद है कि बाकी सब जितने भी क्षेत्र में विकास की बातें कही जा रही हैं, विकास की कवायद चल रही है, तो साथ ही साथ एडुकेशन के क्षेत्र में भी यंगस्टर्स को कुछ और हेल्प मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। लेकिन आज की उपलब्धि झारखंड के लिए बड़ी उपलब्धि, खासकर अपना विधानसभा भवन मिला, प्रधानमंत्री मोदी आए, उन्होंने सौगातों की बारिश की, नए विधानसभा भवन का उद्घाटन हुआ, सचिवालय का शिलान्यास किया गया, और साथ ही साथ साहेबगंज में सी पोर्ट का उद्घाटन किया गया। तो बड़ी उपलब्धि। और अब चलते हैं जमशेदपुर और जान लेते हैं कि वहां की पब्लिक क्या बोल रही है। वहां मौजूद है हमारे सहयोगी प्रभात, चलते हैं जमशेदपुर।